फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल में बात करेंगे। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर आपका राशिफल बताएंगे। मूलांक और नाम के आधार पर कुछ सिंपल से उपाय जानकारी देंगे आपको, शुभ अशुभ की बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें, और सबसे खास बात नामांक स्पेशल और नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र में बताएंगे एक ऐसा मंत्र और उपाय जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा, किसी खास समस्या को चुटके में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 23 अगस्त 2024, तिथि रहेगी चतुर्थी, तिथि अंक रहेगा 4, नक्षत्र रहेगा रेवती, नक्षत्र अंक रहेगा 9, दिन का मूलांक रहेगा 5 और भाग्यांक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला और अशुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी ईशान और अशुभ दिशा रहेगी पश्चिम। जो सबसे शुभ मुहूर्त समय होता है दिन का वो रहेगा दोपहर को 12:23 से लेके दोपहर को 2:01 तक, और दिन का सबसे अशुभ समय रहेगा सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:23 तक। विशेष क्या है, नाग लक्ष्मी पूजा है, बड़ा खास दिन है ये, और ऐसे में हमारा स्पेशल उपाय और स्पेशल मंत्र भी नाग लक्ष्मी से ही संबंधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल के राशिफल की मूलांक के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम AJS से शुरू होता है, पैसा उधार देने से बचें, पुरानी बात के प्रति परेशान रहेंगे, यात्रा में पूरी सावधानी बरतें, संतान से कोई शुभ समाचार मिलेगा, उपाय क्या करेंगे, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। मूलांक 2 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम BK या TE से शुरू होता है, संतान को लेकर परेशान रहेंगे, कोई बड़ा कारोबारी निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, प्रेम जीवन सफल रहेगा, उपाय ये करेंगे शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाएं। मूलांक 3 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम CL या U से शुरू होता है, छात्रों की पढ़ाई लिखाई बेहतर रहेगी, मन अध्यात्म में रहेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग हैं, पेट दर्द से परेशान रहेंगे, उपाय ये करेंगे केसर से तिलक करें। मूलांक 4 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम DM या BC से शुरू होता है, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं, पिछले काम से लाभ होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, उपाय ये करेंगे किसी गरीब को सिक्के दान करें। मूलांक 5 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5/14/23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम EN या W से शुरू होता है, भाषा और गुस्से पर काबू रखें, माता के साथ मनमन के योग हैं, नौकरी का क्षेत्र बेहतर रहेगा, खास व्यक्ति से भेंट लाभकारी रहेगी, उपाय ये करें कि तुलसी के निमित्त घी का दीपक जलाएं। मूलांक 6 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15/24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FOX से शुरू होता है, विरोधी और शत्रुओं से सावधान रहें, कारोबारी लाभ के योग हैं, दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, उपाय ये करें कि महालक्ष्मी पर इत्र चढ़ाएं। मूलांक 7 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 7/16/25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम GP या Y से शुरू होता है, नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा, कारोबार में नकद लेन देन से बचें, ऑफिस में कामकाज अधिक रहेगा, थकान महसूस करेंगे, उपाय ये करें कि किसी धर्मस्थल में खीर चढ़ाएं। मूलांक 8 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8/17/26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम HQ या Z से शुरू होता है, कारोबारी यात्रा में सफलता मिलेगी, संतान से खुशखबरी मिलेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें, प्रेम संबंधों के लिए समय बेहतर है, उपाय यह करें कि लौंग कर्पूर से जलाकर धूप करें। मूलांक 9 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9/18/27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है, कामकाज में लापरवाही से बचें, सतर्कता से ड्राइविंग करना आपके लिए हितकर रहेगा, गुस्से पर काबू रखें, बच्चों के शिक्षा की चिंता रहेगी, ग्रह क्लेश से कुछ परेशान भी रहेंगे, उपाय ये करेंगे गाय को मीठी रोटी खिलाएं। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। तो देखिए खास दिन है ये, नाग लक्ष्मी के पूजन का दिन है, ऐसे में नाग लक्ष्मी का पूजन करें, महालक्ष्मी पर गुलाब, इत्र, गुलाल, अबीर, खीर आदि चढ़ाएं, ब्राह्मणी को आटा दान करें, शक्कर घी खरीदना शुभ रहेगा, गुलाबी कपड़े पहनना शुभ रहेगा, इत्र का प्रयोग शुभ रहेगा, महुआ का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, ईशान दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब जान लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें। तो देखिए उदासीन ना रहें, गंदगी ना फैलाएं, जीवन साथी की बातों की अवहेलना ना करें, काले कपड़े ना पहने, तिल और खट्टी चीज़ों का दान और उपयोग ना करें, खट्टे फल ना खाएं, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों हम समय है आज के नामांक स्पेशल उपाय का, वो नामांक स्पेशल उपाय जो पैसों की तंगी दूर कर देगा। देखिए भाद्रपद का शुक्रवार है, ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है, रेवती नक्षत्र है,
और ऐसे में पंचमी तिथि विद्यमान हो जाएगी लगभग सुबह 11 बजे के इधर उधर। तो ऐसे में विशिष्ट जो मुहूर्त है दोपहर को 12:23 के बाद का है, ऐसे में नाग लक्ष्मी के पूजन का विधान है। तो जीवन से पैसों की तंगी दूर करने के लिए नाग लक्ष्मी का पूजन करें और नाग लक्ष्मी पर चढ़ी हुई केसर से तिजोरी पर 9 टीकियां बना दें। आप ये देखिएगा पैसों की तंगी आपके जीवन से निश्चित दूर हो जाएगी। बात करेंगे नामांक स्पेशल मंत्र की, वो मंत्र जो सर्वार्थ सफलता दिलवाए। तो सर्वार्थ सफलता के लिए कमल गट्टे की माला से एक विशेष नाग लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ऐम ह्रीम श्रीम श्रीम काकिनी नाग नर्तकी स्वाहा। आश्वस्त करता हूं आप सर्वार्थ सफलता हर क्षेत्र में जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।